हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेफ्लॉन कैसे चेंज करते हैं। ये हमारा प्रिंटर है, लेजर जेट का 1005 का ये प्रिंटर है हमारा। इसका हम टेफ्लॉन आज चेंज करेंगे। तो टेफ्लॉन जो ख़राब होता है उसको कैसे जानेंगे, ये मेन मुद्दा है इसका। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो पता ऐसा चलेगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो इधर जैसे हम रगड़ेंगे तो ये प्रिंट नहीं उखड़ता, लेकिन जैसे बगल को रगड़ के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रिंट उखड़ जा रहा है। ये तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कॉटरेज में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो टेफ्लॉन का प्रॉब्लम है। तो उसी को आज हम चेंज करके देखेंगे और बताएंगे कि कैसे चेंज करते हैं उसको। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी बटन हैं स्क्रू है पीछे में, सबसे पहले उसको खोलेंगे। ये जो स्क्रू देख रहे हैं आप, ये वाले स्क्रू है, ये वाली है, ये वाली, ये स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये जो लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हल्का से खींचते हुए अपन निकालेंगे इसको, वो निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो केबल दिख रहा है उसको निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको भी निकालेंगे और यहाँ बॉडी अलग हो जाएगा। इसको भी खोल लेते हैं। इसको ध्यान से निकालिएगा ताकि खराब मत हो। तो ये टूट गया, फिर
प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम लोग इसको अलग से निकाल कर रख देते हैं, फिर से पहले इसको निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हल्का सूखा करेंगे, फिर आपको मैं ठीक करेंगे। इसका कॉटेज निकाल लेते हैं, लग रहा है। अब क्या करेंगे, ये पीछे वाले और ये इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हल्का से फिर मिला के खींचेंगे, आ जाएगा वहाँ। इसको भी निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी नट बोल्ट है, ये है नट बोल्ट। अच्छा, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये एक लॉक लगा हुआ है, ये एक लॉक लगा हुआ है। इसको हल्के से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसी टाइप इधर भी है ये लॉक, हल्के से खींचेंगे आ जाएगा बाहर। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो नट लगा हुआ है, ये चारों तरफ ये सभी को हम निकाल लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, ये जो बाहर की कैबिनेट है इसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हल्के से इसको खींचेंगे ऊपर उठाते हुए, तो ये आपका जो है बाहर आ जाएगा। नीचे में भी लॉक रहता है, लॉक तो आराम से निकालेंगे, तो क्या टूटने का डर रहता है। अब देखिए ये जो लॉक है, मतलब स्क्रू लगा हुआ है, इसको पूरा सब को निकालेंगे। अच्छा, इसको निकाल लेता हूँ मैं, अच्छा यही मैं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये देखिए ये निकल गया पूरा। अब क्या करेंगे, इसके पीछे वाले भाग में फिर चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो नट है उसको खोलेंगे, मतलब इसको बाहर करेंगे। इसको एक खुल गया, ठीक बॉस। अब जो जितने भी है सबको निकालेंगे।
एक ये वाली नट निकालना है, ये वाली, और सेकंड में आपका जो है ये वाला नट निकालना है। तो कैसे करेंगे उसको, उसको वो नट को खोलेंगे। हमारा खोल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको निकालेंगे हम। ये जो है पूरा ये बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में जो टेक्ट्रॉन लगा हुआ है वो खराब है, तो उसको हम चेंज करेंगे। ये पूरा खराब हो गया है आपको, इसमें मतलब पेपर जो है चिपक गया है। निकालने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छा ये होगा कि हम इसको पूरा खोल के साफ कर दें उसको, उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा। चलिए खोलते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसको खोलेंगे। ये जो है इसको खोलेंगे, इसको निकाल देंगे। अब ये जो नट लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। इसको हल्का से उठाएंगे, ये निकल जाएगा आपका। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा
पेपर का पेपर जो है घुसा हुआ इसमें, तो पहले निकालने का प्रयास करते हैं इसको। साफ कर देते हैं।